हम लोग देख रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला। ठीक है, देखो यहां पे ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आज का ये टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, जिसको हम जेनिक बैलेंस थियरी के माध्यम से समझते हैं, ये टॉपिक आज कवर हो जाएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला। देखिए एक चीज आप समझिए यहां पे थोड़ा सा, ड्रोसोफिला के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, या एक थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं जेनिक बैलेंस, जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। देखो यहां पे ड्रोसोफिला के केस में, कल मैंने बताया था, आप ध्यान रखिएगा, ड्रोसोफिला के केस में नॉर्मल कंडीशन में जो क्रोमोसोम होता है वो होता है 2n = 8। क्या होता है? 2n = 8, क्रोमोसोम का जो नंबर होता है। तो 2n = 8 का मतलब हुआ कि इसमें 8 में आप देखोगे, 8 का मतलब कितना हो गया बेटा, इसको आप कह सकते हो 4 पेयर। क्या कह सकते हो? 4 पेयर कह सकते हो। इस 4 पेयर क्रोमोसोम में आप देखोगे कि 3 पेयर क्रोमोसोम इसमें, 3 पेयर क्रोमोसोम इसमें क्या कहा जाएगा? ऑटोसोम। 3 पेयर क्रोमोसोम इसमें क्या बोले जाएंगे बेटा? ऑटोसोम बोले जाएंगे। और जो रिमेनिंग 1 पेयर क्रोमोसोम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। ध्यान रखिएगा, 1 पेयर क्रोमोसोम जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम। इसको आप बोलोगे सेक्स क्रोमोसोम। अब आप समझिएगा, सेक्स क्रोमोसोम की जब आप बात करते हो तो आप देखते हो कि जिस प्रकार से ह्यूमन में सेक्स क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो ये सेक्स क्रोमोसोम फीमेल में XX होते हैं, जबकि मेल में क्या होते हैं? XY। सेम उसी प्रकार से ये ड्रोसोफिला के केस में भी देखने को मिलेंगे। तो सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो ये फीमेल में बेटा क्या होंगे? फीमेल में ह्यूमन की तरीके से ये XX होंगे, जबकि मेल की बात करोगे तो मेल में ह्यूमन की तरीके से क्या होंगे? XY होंगे। ठीक है, अब आप समझिएगा, ड्रोसोफिला में, इतनी बात समझ में आई? अब आप समझिए, ड्रोसोफिला के केस में, मेरी बात आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रोसोफिला के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन वाई क्रोमोसोम नहीं करता है, जबकि आपने देखा था कि ह्यूमन के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है? वाई क्रोमोसोम। अगर वाई क्रोमोसोम है तो मेल होगा, और वाई क्रोमोसोम नहीं है तो क्या होता है? फीमेल होता है। लेकिन यहां पे आप देखोगे कि एक्स एक्स है तो फीमेल है, एक्स वाई है तो ये मेल है। लेकिन मेरी बात आप यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा भी, कि ड्रोसोफिला के केस में बेटा वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम इट डज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन। कल मैंने बताया था ना, ये सेक्स के डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है ना, ये किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, वाई क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्टिलिटी ऑफ मेल। ये किसके लिए है? वाई क्रोमोसोम इट इन्वॉल्व या इट हेल्प्स या रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी। किसके लिए बेटा? फर्टिलिटी ऑफ मेल, मेल के फर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। मेल फर्टाइल हो, स्टराइल ना हो, इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम कहीं पे प्रेजेंट रहेगा और वहां पे अगर मेल बन रहा है तो वो मेल फर्टाइल होगा। अगर कहीं पे बिना वाई क्रोमोसोम के मेल बन रहा है तो मेल फर्टाइल नहीं होगा। इसका मतलब है, मैं अगर आपसे कहूं ये कंडीशन एक्स एक्स वाई, ये मेल है फीमेल है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है? मेल। आप देखो, आप इसको वाई देख करके मेल नहीं कहोगे, क्योंकि मेल का मेल जिम्मेदारी नहीं होता, वाई क्रोमोसोम जिम्मेदारी नहीं होता है मेलनेस के लिए या फीमेलनेस के लिए। कहां पे? ड्रोसोफिला के केस में।
इसका मतलब है कि हम इसको ये बता ही नहीं सकते हैं इस तरीके से कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे बता पाओगे आप, ठीक है। मैं यहां पे लिख दूं ये यक्स है और ये ओ है, तो ये मेल है फीमेल है, ये क्या है, मेल है फीमेल है, ये मेल है फीमेल है, आप इसको तय ही नहीं कर पाओगे अभी। अब यहां पे इसका वाई क्रोमोसोम अब्सेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फीमेल हो जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूं कि वाई क्रोमोसोम सेक्स के डिटरमिनेशन में रोल ही प्ले नहीं करता है, इसका मतलब है कि हम वाई क्रोमोसोम के प्रेजेंस और अब्सेंस की वजह से ये तय नहीं कर पाएंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। मेरी बात आप समझे कि नहीं, तो हम इसको किस तरीके से, इतनी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इसका मतलब है कि हम ये देख करके नहीं तय कर पाएंगे कि वाई क्रोमोसोम है तो वो मेल है या वाई क्रोमोसोम नहीं है तो फीमेल है। ये बेटा ये देखो एक्स ओ ये मेल होता है, अभी आप देखोगे ये क्या होता है, मेल होता है, और ये एक्स वाई क्या होता है, ये फीमेल होती है। अब थोड़ा सा आपको ताजुब लग रहा होगा लेकिन ऐसा ही होता है ये। लेकिन आप देखोगे इस तरीके की कंडीशन किसने देखी, कैल्विन ब्रिज साहब ने, कैल्विन ब्रिज ने ड्रोसोफिला के ऊपर जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि यक्स यक्स वाई कंडीशन वाला फ्लाई फीमेल था और यक्स और ओ वाला कंडीशन क्या था, मेल फ्लाई था। लेकिन मेल में ये फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा, बताओ, मेल अगर होगा तो ये इस कंडीशन में तो फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा, मेरे बोलिए आप बताइए, फर्टाइल होगा कि स्टेराइल होगा, स्टेराइल होगा, क्योंकि मेल की फर्टिलिटी के लिए कौन जिम्मेदार है, और वाई यहां पे है कि नहीं है, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये स्टेराइल, अगर मेल बन भी गया तो ये क्या होगा, ये स्टेराइल होगा। तो इसी बात को यहां पे आगे डिटेल में बताया गया कि अब वाई क्रोमोसोम अगर जिम्मेदार नहीं है, अगर वाई क्रोमोसोम जिम्मेदार नहीं है सेक्स के डिटर्मिनेशन में ड्रोसोफिला में, तो फिर कौन जिम्मेदार होता है, तो सुनिएगा, जिम्मेदार होता है इसके लिए, एक चीज आप समझिए यहां पे, यक्स क्रोमोसोम और हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम, ठीक है ना, इनका अनुपात इस बात को डिसाइड करता है कि इनमें सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा। तो कौन तय करता है, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम, कौन तय करता है, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू हैप्लॉइड सेट्स ऑफ ऑटोसोम, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर एक चीज सुनो, आप अभी मैंने आपसे एक चीज कहा, आप ध्यान करके इसको समझ भी लीजिएगा, स्टार करके, वाई क्रोमोसोम के बारे में बताया, वाई क्रोमोसोम अभी मैंने लिखा था, वाई क्रोमोसोम ये क्या करता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन ड्रोसोफिला, ये बात आप समझोगे, क्या करता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन कहां पे बेटा, ड्रोसोफिला, ठीक, ये क्या काम करता है, दूसरा, रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्टिलिटी ऑफ मेल के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप सुनिएगा, मेल के फॉर्मेशन के लिए जो जीन होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं पाए जाते, ध्यान समझिएगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा, फॉर मेलनेस जीन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ध्यान रखिएगा, मेलनेस के लिए जो जीन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, ऑटोसोम पे पाए जाते हैं, मेल होने के लिए जो जीन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं बेटा, ऑटोसोम पे पाए जाते हैं। फॉर फीमेलनेस some genes are
प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम कहां पे पाया जाता है? फीमेलनेस के लिए कुछ जीन्स हैं जो कहां पे पाए जाते हैं? एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि फीमेल होने के लिए एक्स क्रोमोसोम का होना क्या है? जरूरी है, लेकिन मेल होने के लिए वाई क्रोमोसोम का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे मेल होने के जीन्स पाए ही नहीं जाते। मेल होने के जीन्स कहां पाए जाते हैं? बोलिए बेटा, ऑटोसोम पे। फीमेल होने के लिए जीन्स कहां पाए जाते हैं? क्यों हंस रहे हो बे? क्या हंस रहे हो? क्यों हंसे? यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है? चलो खड़े हो जाओ, तुरंत खड़े हो, तुरंत एक मिनट देना, तुरंत खड़े। क्या मैंने बोला इसमें? क्या बोला? मेल होने के लिए कौन सी शर्त है जो काम करती है? ध्यान से बैठ के पढ़ो, नहीं वहां आना पड़ेगा तो फिर तुमको प्रॉब्लम हो। रोज समझा रहा हूं, समझ में आ नहीं रहा है। घर पे चलेंगे चाय पीने, तुम्हारे साथ नहीं, घर वालों के साथ बैठ जाओ। तो बता दिया कि वाई क्रोमोसोम का रोल नहीं है किस चीज के लिए? मेल होने के लिए। मेल होने के लिए वाई क्रोमोसोम का रोल क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि मेल के जो जीन होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? ऑटोसोम पे। और वाई क्रोमोसोम ये ऑटोसोम नहीं है, ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन फीमेल होने के लिए कुछ जीन है जो एक्स क्रोमोसोम पे या सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। इसके वजह से आपको ये कहना है कि वाई क्रोमोसोम चाहे प्रेजेंट हो चाहे अब्सेंट हो, ये बात नहीं तय करेगा कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। लेकिन फीमेल होने के लिए एक्स क्रोमोसोम होना जरूरी है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पे कुछ फीमेल होने के जीन्स पाए जाते हैं। ये बात समझ में? अब मैंने बताया आपको कि सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला में कैसे होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम माने एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो अनुपात होता है वो इस बात को डिसाइड करता है कि वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। तो ध्यान रखना, लिखा हुआ है कि रेशियो माने अनुपात, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन कहां पे? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला के केस में, अब आपको ड्रोसोफिला के केस में ऑटोसोम कितना होता है और सेक्स क्रोमोसोम कितना होता है ये पता है? कितना होता है? थ्री पेयर। क्या होता है? थ्री पेयर ऑटोसोम होता है। और वन पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में वो एक्स वाई होता है और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। लेकिन ये वाई होने की वजह से वो मेल नहीं है, बार बार मैं बता रहा हूं, ध्यान रखना। मेल होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? मैं लिख दे रहा हूं अभी, हालांकि मैं पूरा लिख दूंगा। अगर एक्स और ऑटोसोम का अनुपात ए का होता है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जो अनुपात ए का आएगा, तो वहां पर क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। क्या बनेगी बेटा? फीमेल। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात यदि 0.5 आएगा तो क्या बनेगा? वो मेल बनेगा। अगर एक और पांच के बीच में आवे, एक और 0.5 के बीच में आएगा अनुपात, अगर एक्स का अनुपात, समझो मेरी बात, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, अभी मैं पूरा रेशियो लिख दूंगा। अगर एक्स रेशियो ए माने सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात क्या हो बेटा? एक और 0.5 के बीच में लाई करे, तो उस सेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरसेक्स। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्स। अगर एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात एक से अधिक हो, मोर देन वन हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल। क्या बोलेंगे? सुपर फीमेल, या उसी को हम लोग बोलते हैं मेटा फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा फीमेल। अगर सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात 0.5 से कम हो, किससे बेटा? 0.5 से कम हो, मतलब 0.33 के आसपास हो, तब ये क्या होगा? सुपर मेल या मेटा मेल कहा जाएगा। मेटा मेल कहा जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसका मतलब अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको ये याद रखना है, अब आप ये नहीं कहोगे सर मैं अब ये नहीं कहूंगा कि कहीं पे एक्स और वाई है तो वो मेल है। ड्रोसोफिला के केस में एक्स वाई है तब मेल है, हम इसको नहीं कहेंगे।
हम ये देखेंगे कि हमारा एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात क्या है। एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अगर अनुपात 0.5 निकल करके आएगा तो आप तुरंत उसको कह दोगे कि सर ये क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। अगर कहोगे कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का अनुपात 1 आएगा तो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। अब उसमें ये नहीं, अब देखो आप, अभी मैंने कहा था एक्स एक्स और क्या था यहां पे वाई, तो एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहां पे क्या है वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। वाई क्रोमोसोम होने के नाते आप इसको क्या कह देते, आप इसको कह देते कि ये क्या है, मेल। लेकिन ऐसा नहीं है, जब इसका अनुपात निकाला गया तो इसका अनुपात क्या आया, 1 आया। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया फीमेल। और जब एक्स और ओ वाली कंडीशन को देखा गया, जब इसका रेशियो निकाला गया तो इसका रेशियो कितना आया, 0.5, तो इसलिए क्या बन गया, मेल। यद्यपि इसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है लेकिन फिर भी ये मेल था। तो देखो ये क्या कंडीशन है, क्यों इस तरह से घटनाएं घटती हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, इसके पीछे कुछ कारण बनते हैं। जब केल्विन ब्रिज अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखो सेक्स डिटरमिनेशन में ये जो घटनाएं निकल के आई देखने को मिली, वो किसको देखने को मिली, केल्विन ब्रिज। किसको बेटा, केल्विन ब्रिज, यही अपना एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला पे कर रहे थे। किस पे कर रहे थे, ड्रोसोफिला। तो उनको इसमें तमाम तरीके की घटनाएं देखने को मिली। फिर बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि ड्रोसोफिला के केस में सेक्स क्रोमोसोम का, बेसिकली वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है सेक्स के डिटरमिनेशन में। बार बार मैं कह रहा हूं, लेकिन ये चीज कहां पे अप्लाई होता है, ह्यूमन के केस में। ह्यूमन के केस में केवल वाई क्रोमोसोम ही है जो मेल और फीमेल को डिसाइड करेगा। वाई है तो मेल बनाएगा, वाई नहीं है तो फीमेल बन जाएगा। लेकिन यहां पे वाई क्रोमोसोम, देखो वाई क्रोमोसोम नहीं है लेकिन फिर भी क्या बन रहा है, मेल। यहां पे वाई क्रोमोसोम है फिर भी मेल नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, फीमेल। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। यहां पे सारी बातें कौन तय करता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब क्या हो गया, यही देखो आप ऑटोसोम तो आप समझ ही रहे हो, ऑटोसोम कितना प्रेजेंट है यहां पे, 3 पेयर ऑटोसोम है। और सेक्स क्रोमोसोम क्या है, एक्स और क्या है, वाई। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन की वजह से, किसकी वजह से, नॉन डिसजंक्शन की वजह से ये 3 पेयर जो आपके ऑटोसोम है या ये 1 पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम है, इसका अनुपात क्या हो सकता है, बदल सकता है। क्या हो सकता है, बदल सकता है। अब एक घटना होती है नॉन डिसजंक्शन, जिसकी वजह से, देख सुनो मेरी बात, एक बात होती है नॉन या घटना होती है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है कि सेल डिवीजन के दौरान, इधर ही देखो बेटा, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम का क्या होता है, सेपरेशन होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है, सेपरेशन। अगर सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग ना हो पाए, या जो बनने वाली सेल है उसमें क्रोमोसोम समान अनुपात में ना पहुंच पाए, अलग अलग अनुपात में चले जाए, किसी में ज्यादा हो जाए किसी में कम हो जाए, या किसी में पूरे चले जाए किसी सेल में क्रोमोसोम ना जाए, तो इस तरीके से इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन बोलते हैं। इसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम एनोमलीज आ जाता है। क्रोमोसोम एनोमलीज का मतलब है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है। देखो मेरी बात आप समझ पा रहे हो नहीं, पहले बताओ, आ रही समझ में। मैं उसको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करना चाहता हूं, क्योंकि आपका बेसिक बैकग्राउंड क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। नॉन डिसजंक्शन एक घटना होती है। देखो फिर सुनो, ड्रोसोफिला के केस में, ड्रोसोफिला के केस में कितना ऑटोसोम होना चाहिए था, 3 पेयर ऑटोसोम, 3 पेयर ऑटोसोम होना चाहिए था, और 1 पेयर क्या होना चाहिए था, सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था। 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम होना चाहिए था, ठीक है। और इस 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम की जब आप बात कर रहे हो, बार बार मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो किया, क्योंकि आपको ये याद रहे, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम में ये घटना एक्स और वाई की हो सकती है, और ये एक्स और एक्स की, इस तरह से हो सकती है। एक्स वाई है तो क्या होगा, मेल बनाएगा, और एक्स एक्स है तो फीमेल। तो इसका मतलब है कि मेल हेटरोगैमेटिक होगा, दो तरीके का गैमेट बनेगा, एक गैमेट एक्स वाला बनेगा, एक गैमेट क्या बनेगा, वाई। ये क्या है, ये स्पर्म है, ये क्या है, स्पर्म। और अगर ये एक्स एक्स है तो होमोगैमेटिक होगा, एक ही तरीके का एग बनेगा, है कि नहीं, एक ही तरीके का एग बनेगा। तो अब आप कुल मिला के ये देख सकते हो कि ड्रोसोफिला के केस में कुल कितने क्रोमोसोम है, 8। कुल कितने क्रोमोसोम है, 8। लेकिन गैमिट जब बनेगा तो उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 4। क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन के दौरान कौन सा सेल डिवीजन होता है, मियोसिस। और जब मियोसिस होती है तो जो रियल में क्रोमोसोम डिप्लॉइड कंडीशन में होता है वो चेंज हो जाता है, हैप्लॉइड में तो हाफ हो जाता है, आप जान ही रहे हो।
सेल डिवीजन, जब भी मियोसिस होता है तो क्या हो जाता है, क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो मैं यहां पे अगर मैं कहूं, सुनो, मान लेते हैं कि हम यहां पे एक सेल है, इसमें क्रोमोसोम इस तरह से देखो, यहां पे क्रोमोसोम है, ये सॉरी सेल है, इस सेल में कुल कितने क्रोमोसोम है? 8 क्रोमोसोम। कितने हैं? 8। तो इस तरह से मैं दिखाऊं, एक क्रोमोसोम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ये, एक ये, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ये हो गया। अगर सेल डिवीजन करने के लिए जाता है तो आप जानते हो कि रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन करता है तो अपने सारे के सारे जो डीएनए होते हैं उनको क्या करता है, रेप्लिकेट करा लेता है, ये तो आपको पता है। तो इसका एक होमोलागस क्रोमोसोम बन जाएगा कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे बन जाएगा ये क्रोमोसोम, आप देख रहे हो यहां पर। अब जैसे मान लीजिए यहां से सेल अगर सेपरेट, सेल का डिवीजन होता है, दो सेल बनती हैं, यहां पे दो सेल बनती हैं, या मियोसिस हो रहा है तो चार सेल बनती हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब, नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक स्पिंडल फाइबर होता है, इस स्पिंडल मान लीजिए ये है, यहां पे स्पिंडल फाइबर ऐसे बनते हैं, इस स्पिंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम इसके साथ लगते हैं, समझ रहे नहीं, क्रोमोसोम इसके साथ लगते हैं और ये इस पोल की तरफ भगते हैं, इस पोल की तरफ भगते हैं, भगते हैं, इसी को बोलते हैं सेपरेशन, इसी को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन। लेकिन नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से, नॉन डिसजंक्शन होने की वजह से ये क्रोमोसोम इस तरह से सेपरेट हो कि हो सकता है एक तरफ ज्यादा चले जाए या एक तरफ क्या हो जाए, कम चले जाए, या एक तरफ पूरे के पूरे क्रोमोसोम चले जाए, एक तरफ क्रोमोसोम ही ना जाए। तो जब यहां पर सेल बनेगी तो हो सकता है एक में पूरे क्रोमोसोम प्रेजेंट हो और एक में क्रोमोसोम हो ही ना, या एक में ज्यादा क्रोमोसोम हो, एक में एक क्रोमोसोम हो गए कि नहीं। और अगर इस तरीके से गैमेट बना तो चार सेल बनेंगे, चार सेल बने तो हो सकता है कि दो में क्रोमोसोम आए हो और दो में क्रोमोसोम ना आए हो, या एक में ना आए हो। नॉन डिसजंक्शन का मतलब समझ में आया क्या हुआ? फिर से सुन लो, नॉन डिसजंक्शन मैं किसी दिन इसको डिटेल में बता दूंगा, बताऊंगा कि नॉन डिसजंक्शन होता क्या। कहानी आपको यह समझना है कि एक कोशिका है, इसमें मियोटिक सेल डिवीजन हो रहा है, मियोटिक माने मियोसिस हो रहा है, मियोसिस का मतलब क्या है, रिडक्शन डिवीजन हो रहा है। मान लीजिए उसमें क्या है, चार क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है, चार क्रोमोसोम, ठीक है ना, चार क्रोमोसोम है। अब यहां पे सेल डिवाइड कर गई, मियोसिस हुआ तो उससे कितने सेल बने, उससे चार सेल बने, ये चार सेल बने, ये एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, तीन सेल हो गया, चार सेल। अब चार क्रोमोसोम है तो इसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे, दो 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 दो, ऐसे आने चाहिए, नॉर्मल घटना ये हुई। लेकिन कुछ ऐसी घटना घट गई कि यहां पे किसी एक में क्या हो गया, एक में एक ही क्रोमोसोम आया, यहां पे एक क्रोमोसोम आया तो इसमें क्या हो गया, तीन क्रोमोसोम हो गया, यहां पे क्या हो गया, तीन क्रोमोसोम। इसका मतलब जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे तो वहां पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से किसी सेल में क्रोमोसोम ज्यादा हो गया, किसी सेल में क्रोमोसोम क्या हो गया, कम हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डिसजंक्शन। अब यहां पर बताओ, अगर ये गैमीट बना है बेटा, अगर ये क्या बना है, गैमीट बन गया, ये मान लीजिए ओबा बन गया, ये सब चारों क्या है, मान लेते हैं ओबा है, ये चारों ओबा है। अब इनका किसी स्पर्म के साथ, स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है तो उसमें जो भी क्रोमोसोम क्या होगा, मान लेते हैं इस तरीके से होगा, इस तरीके से उसमें ऐसे होगा। मैं बहुत ज्यादा इसको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। मैं नॉन डिसजंक्शन को बाद में बता दूंगा, नॉन डिसजंक्शन होता क्या है, क्यों यहां पे ये मैं नाम ले रहा हूं। अब मान लीजिए ये फ्यूज कर जाएगा तो देखो, दो और दो मिलके क्या हो जाएगा, चार, डिप्लॉइड कंडीशन। ये फ्यूज कर जाएगा, दो दो मिलके क्या हो जाएगा, चार। ये फ्यूज कर जाएगा तो दो और तीन मिलके क्या हो जाएगा, पांच। पांच हुआ कि नहीं? इसका मतलब क्रोमोसोम में यहां पर क्या आ गया, एनोमलीज आ गया, एबनॉर्मेलिटी आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? कितना होना चाहिए था उसमें, चार, हो कितना गया, पांच। यही है क्रोमोसोमल एनोमलीज। ये क्यों हुआ, नॉन डिसजंक्शन की वजह से हुआ बेटा। किसकी वजह से हुआ, नॉन डिसजंक्शन। तो कहीं पे जो क्रोमोसोम में कमी आ रही है, अभी आपने देखा था टर्नर सिंड्रोम, याद है टर्नर सिंड्रोम, कल मैंने पढ़ाया था टर्नर सिंड्रोम, और या क्या पढ़ाया था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, याद है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या कंडीशन थी, एक्स एक्स और वाई। टर्नर सिंड्रोम में क्या कंडीशन थी, एक्स और जीरो। इसका मतलब है कि यहां पे एक्स और एक्स होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया होगा, नॉन डिसजंक्शन, इसकी वजह से एक एक्स नहीं आया, ये कहीं और चला गया। यहां पे एक एक्स की क्या हो गई, कमी हो गई। यहां पे एक्स और वाई होना चाहिए था, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा आ गया। इसका मतलब नॉन डिसजंक्शन की वजह से कहीं से एक क्रोमोसोम आ गया। इस वजह से यहां पे देखो क्लाइनफेल्टर बन गया और टर्नर बन गया। इसी वजह से आप देखोगे ड्रोसोफिला के केस में,
ड्रोसोफिला के केस में तमाम तरीके की मक्खियां मिलेंगी। अगर नॉर्मल मक्खी को देखोगे तो उसमें 2n इज इक्वल टू कितना क्रोमोसोम होता है, 8। 2n इज इक्वल टू कितना होता है, 8। इसका मतलब है डिप्लॉइड मक्खी होगी, लेकिन कुछ मक्खी होती है जो ट्रिप्लॉइड भी होती है, 3n कंडीशन में होती है। ये जो 3n वाली मक्खी मिली, ये किस वजह से बनी होगी बताइए? नॉन डिसजंक्शन की वजह से, क्रोमोसोमल एनोमलीज की वजह से बनी होंगी। क्रोमोसोम में सेपरेशन क्या हो गया होगा, नहीं हो पाया होगा, या किसी में ज्यादा हो गया होगा, किसी में कम हो गया होगा। अब जैसे यहां पे देखिए, यहां पे दो क्रोमोसोम है, यहां पे दो तीन क्रोमोसोम है, जब ये आपस में फ्यूज किया तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, 5। यहां पे एनोमलीज बन गया कि नहीं, क्रोमोसोमल एनोमलीज हो गया। इसी तरीके से ड्रोसोफिला के केस में भी कई प्रकार की मक्खियां बन सकती हैं। नॉर्मली मक्खी कैसी होनी चाहिए, 2n इक्वल टू 8 होनी चाहिए, 8 क्रोमोसोम, लेकिन 3n भी हो सकता है। मेरी बात आप समझ गए? अब 3n भी हो सकता है, 2n भी हो सकता है, कंडीशन यहां पे। तो केल्विन ब्रिज इसी बात को वहां पे देख रहे थे, और जब ये सब चीजें उन्होंने पूरा का पूरा डिटेल देखा, तो फाइनली उन्होंने ये कंडीशन मैंने अभी आपको लिखी थी यहां पे, बताई थी कि ये वाली कंडीशन देखा उन्होंने, ये वाली कंडीशन XXY वाला, तो आपके अकॉर्डिंग या लोगों के अकॉर्डिंग या ह्यूमन में जिस तरीके से होता है उसके अकॉर्डिंग चले, तो यहां पे इसको मेल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या बन जाता है, फीमेल। यहां पे इस कंडीशन को लेकर लोग देखोगे तो इसको क्या बनना चाहिए था, फीमेल बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक्स और वाली कंडीशन को देखा गया तो मेल बनता है, और XY कंडीशन देखा गया तो क्या बनता है, फीमेल बनता है। तो फिर फाइनली बहुत सारी चीजों को करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला और बताया कि ड्रोसोफिला के केस में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन करता है, एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का क्या करता है, रेशियो डिसाइड करता है कि उसमें सेक्स क्या होगा, मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। अभी ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे आप एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बनाएंगे, उसी चार्ट से आप इस बात को याद रखेंगे। हालांकि मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता दिया, केवल आप चार्ट बना लीजिएगा। लिखिए, यहां पे लिखिएगा क्रोमोसोम फॉर्मुलेशन, क्रोमोसोम फॉर्मुलेशन। देखो बेटा, नॉन डिसजंक्शन इतना आसानी से नहीं समझ में आएगा, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैं नॉन डिसजंक्शन को किसी दिन मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना, पूरी क्लास उस पे मैं नॉन डिसजंक्शन की ले लूंगा, बता दूंगा वहां पे। क्रोमोसोमल फॉर्मुलेशन हो गया, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम सेट, रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम टू ऑटोसोम सेट्स, और यहां पे है मॉर्फोलॉजी, अब आप देखो यहां पे, अगर कहीं पे सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो इस तरह से लिखा हो, देखिए 3x/2a ऐसे लिखा हुआ हो, 3x/3a 2x/2a 3x/4a 2x/3a x/2a xy/2a xy/3a। अब आप देखो यहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब क्या है, क्रोमोसोम फॉर्मुलेशन कहीं पे अगर है और इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम लिखा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का रेशियो इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप यहां पे देखो, इसका अगर आप रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो निकालोगे, इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे मैं एक बार लिख दे रहा हूं, इसका रेशियो निकालोगे तो यह आएगा 1.5 बेटा, इसका क्या आएगा 1.5, इसका आएगा 1.0, इसका भी आएगा 1.0, इसका क्या आएगा 0.75, इसका ध्यान रखना 0.75, इसका क्या आएगा 0.67, इसका आएगा 0.50, इसका आएगा 0.50, इसका आएगा 0.33, देख लो अपना। फाइनली उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो यही निकाला, क्या निकाला कि अगर क्रोमोसोम को देखो कहीं पे, तो उसमें 3x क्रोमोसोम हो
और ऑटोसोम क्या हो? दो हो। देखो ऑटोसोम का जो सेट है, ऑटोसोम का सेट क्या हो? 2A कंडीशन हो, और सेक्स क्रोमोसोम का क्या हो? 3X हो। मतलब यक्स, यक्स, यक्स हो, और ऑटोसोम का सेट कितना होना चाहिए? 2A हो। तो यहां पे इन दोनों का जब अनुपात निकालोगे तो सेक्स क्रोमोसोम कितना है बताइए? 3X है। और ऑटोसोम का जब अनुपात निकालोगे तो 3/2 क्या हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 3/2। इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या आएगा? 1.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1.5 आएगा। इसको आप देखो 3x क्रोमोसोम होगा, x x x कितने हैं? 3 है, और ऑटोसोम क्या है यहाँ पे? 3 ऑटोसोम है। तब इसको आप 3/3 क्या कर दोगे? 3, तो कितना आएगा रेशियो? 1 आएगा। तो कहीं पे रेशियो अगर 1 आएगा बेटा तो ये क्या बनाएगा बताइए? फीमेल बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल। कहीं पे रेशियो 0.5 आ रहा है तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेल। देखो यहां पे भी 0.5 है ना, यहां पे भी क्या बनेगा? मेल बनेगा। यहां पे भी 1.0 है तो यहां पे भी क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। फीमेल 0.75, 0.67 ये दोनों ही क्या बनाएंगे? इंटरसेक्स। क्या बनाएंगे? इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब मैंने बताया था ना, जिसमें क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली दोनों के कैरेक्टर प्रेजेंट हो, किसके? मेल के भी हो और फीमेल के भी प्रेजेंट हो। तो ध्यान रखना, एक्सप्रेस बोथ मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी। इंटरसेक्स का मतलब क्या होता है? जो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस्ड बोथ मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजी, मेल और फीमेल दोनों प्रकार की मॉर्फोलॉजी जो शो करते हैं उनको इंटरसेक्स बोलते हैं। 1.5 का मैंने बताया था अभी आपको, सुपर फीमेल। क्या? सुपर फीमेल, या इसी को क्या बोलते हैं? मेटा फीमेल। ये बेटा इन बाइबल होती हैं, इन बाइबल जिंदा नहीं रहती हैं इस तरीके की फीमेल। 0.33 वाला ये क्या बनाएगा? मेटा, मेटा मेल। क्या बनाएगा? मेटा मेल। ये स्टेराइल होगा, मेटा मेल। समझ गए? यही चार्ट आपको क्या करना है? याद करना है। इसी को बोलते हैं जेनिक बैलेंस। इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? जेनिक बैलेंस थ्योरी, जिसमें इस बात को बैलेंस किया जाता है। बैलेंस जैसे किसी तराजू में लेकर के आप एक तरफ ऑटोसोम ले लो, एक तरफ क्या ले लो? सेक्स क्रोमोसोम। अगर तराजू दोनों तरफ बराबर है, तराजू का पलड़ा दोनों तरफ क्या है? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों तरफ क्या है? बराबर है। तो आप उसको क्या बोलोगे कि वहां पर क्या बन रही है? फीमेल। मतलब एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम एक आ रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? फीमेल। लेकिन अगर एक तरफ क्या है? कम हो, एक तरफ क्या हो? ज्यादा हो जाए। मतलब कैसे? कहने का मतलब है यहां पे देखिए, यहां कहां गया? ये है, यहां पे एक्स है और यहां क्या है? 2A है। मतलब एक तरफ एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाए? कम हो जाए, और ऑटोसोम क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। तो यहां पर मान लीजिए ये क्या है आपका? तराजू है। एक तरफ इस तराजू में एक्स क्रोमोसोम है और इधर क्या है? 2A है। अनुपात निकाल लो, अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 0.5। अगर इस तराजू में अनुपात निकालोगे तो 0.5 आएगा। तो इसी को हम बोलेंगे क्या? जेनिक बैलेंस। माने एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का ये अनुपात इस बात को डिसाइड करता है कि ड्रोसोफिला के केस में सेक्स क्या होगा। समझे कि नहीं? एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का जब अनुपात 0.5 आएगा तो क्या बनेगा? फीमेल नहीं बनेगा, क्या बनेगा? मेल बनेगा। 0.5 आएगा तो। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? तुमको समझ में आया? इस तरह से कैसे समझ में आया? मतलब ऐसे उछाल उछाल के समझा रहे हो, खड़े होके बताओ। चलो क्या क्या समझ? पहले बगल वाले फिर तुमसे पूछेंगे, खड़े जाओ बताओ। चलो क्या समझे बेटा? ड्रोसोफिला के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ? आराम से, आराम से, जल्दी में नहीं, आराम से बताओ। ड्रोसोफिला के केस में और ह्यूमन के केस में सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या अंतर है, यही आप बताओ पहले। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला? बोलो। क्या क्या चीज? एक्स एक्स वाई होगा।
नहीं, वो तो एक कंडीशन थी निकल करके आई, वो हमेशा ऐसी घटनाएं नहीं होंगी वहां पे। मेल और फीमेल बनने के पीछे जो रीजन है वो ये चार्ट बताएगा। कौन बताएगा मुझको? चलो बताओ कौन बताएगा, कौन है इस क्लास में बहादुर जो बताएगा मुझे? चलो बेटा तुम बताओ इस लाइन में। हाँ, तुम्हें ह्यूमन के केस में और ड्रोसोफिला के केस में, ह्यूमन के केस में, ड्रोसोफिला के केस में क्या